नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीबीसी क्रिकेट पर। आईसीसी ने जब से ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत कर दी है, वैसे ही सारे क्रिकेट बोर्ड्स और सारे क्रिकेट टीम्स टेस्ट क्रिकेट को लेकर बहुत ही सीरियस नजर आ रहे हैं, और उतनी ही सख्त और सीरियस टीम इंडिया और बीसीसीआई भी नजर आ रही है। और इसीलिए टेस्ट क्रिकेट को लेकर बीसीसीआई ने कुछ अलग प्लान्स किए हैं, जिनमें से कई सारे उभरते हुए खिलाड़ी को अगले कुछ महीनों में टीम इंडिया का हिस्सा बनाया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न है पिछले साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड से मिली हार, और साथ ही पिछले साल से लेकर आज के तारीख तक इंडिया के सीनियर क्रिकेटर की खराब फॉर्म। और इसलिए अगले कुछ महीनों में टीम इंडिया अलग अलग पैंतरे आजमाएंगी, अलग अलग खिलाड़ियों को टेस्ट क्रिकेट में मौके देगी, ताकि टीम इंडिया भी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी ही एग्रेसिव टेस्ट क्रिकेट खेल पाए। और टीम इंडिया की टेस्ट क्रिकेट में एग्रेसिवनेस लाने की एक ही बड़ी उपाय है, वो है युवा क्रिकेटरों को टेस्ट क्रिकेट में मौका देना। जी हाँ, पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं ऋषभ पंत जिस तरह की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी टेस्ट क्रिकेट में कर रहे हैं, वैसे ही अगले आने वाली पीढ़ी जो है, अगले उभरते हुए जो क्रिकेटर हैं, वो भी टीम इंडिया के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसीलिए बीसीसीआई तैयारी कर रही है कि अगले कुछ महीनों में, अगले कुछ सालों में नए नए उभरते हुए खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में भी टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करें। और उनमें से एक बड़ा नाम जो कि बीसीसीआई या फिर टीम इंडिया के कप्तान कोचिस के मन में होंगे, वो है सरफराज खान। जी हाँ, ये वही सरफराज खान है जो कि 2014 के आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेल रहा था और महज 16 साल का था। आज वही 16 साल का लड़का 24 साल का हो चुका है और डोमेस्टिक क्रिकेट में धमाल कमाल मचा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस साल रणजी ट्रॉफी में सरफराज खान ने अकेले दम पर ही मुंबई की टीम को फाइनल तक पहुंचाया। भले ही मुंबई फाइनल में मध्य प्रदेश से हार गई हो, वो चैंपियन नहीं बन पाई हो, पर फिर भी एक चैंपियन क्रिकेटर इस साल रणजी ट्रॉफी से निकल कर आया है, जो है सरफराज खान। पूरे रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट में सरफराज खान ने अच्छा प्रदर्शन किया ही, साथ ही उन्होंने फाइनल में भी 134 रन की दमदार पारी खेली। सरफराज खान ने इस साल रणजी सीजन में 937 रन बनाए, वो भी 133.85 की बेहतरीन एवरेज के साथ। सरफराज ने कुल 4 शतक ठोके और 2 अर्धशतक भी। और इस साल रणजी ट्रॉफी में सरफराज खान अपने टीम के साथ ही पूरे रणजी सीजन में सबसे सर्वाधिक रन बनाने वाले प्लेयर बने। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके नेक्स्ट जो सर्वाधिक रन स्कोरर रहे हैं, वो है नागालैंड के चेतन बिष्ट, जिन्होंने महज 623 रन ही बनाए, जो कि सरफराज खान से 300 से भी ज़्यादा रन कम है। और केवल यही इकलौता सीजन नहीं जिसमें सरफराज खान ने मुंबई के लिए ढेर सारे रन बनाए हो, पिछले साल जो कि 2019-20 का सीजन रणजी का रहा था, उसमें भी सरफराज खान का प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा था। पिछले साल भी रणजी ट्रॉफी में मुंबई की तरफ से खेलते हुए सरफराज खान ने 928 रन बनाए थे, वो भी 154.66 की बेहतरीन औसत के साथ। और उस सीजन भी सरफराज खान ने 3 बेहतरीन शतक लगाए थे। पिछले साल भी 900 से ज़्यादा रन और इस साल भी 900 का आंकड़ा पार करने के बाद सरफराज खान एक और नए रिकॉर्ड के हकदार बन गए। जी हाँ, अपने करियर में रणजी ट्रॉफी में 900 से ज़्यादा 2 बार बनाने वाले वो महज तीसरे क्रिकेटर बने। सरफराज खान से पहले ये रिकॉर्ड जिन 2 प्लेयर्स के पास था, वो है अजय शर्मा और वसीम जाफर, जो कि इंडिया के फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लेजेंड हैं। और इन लेजेंड्स प्लेयर्स के साथ सरफराज खान का भी नाम इस साल जुड़ गया है। तो दोस्तों, सरफराज खान ने लगातार रणजी के 2 सीजन में 900 से ज़्यादा रन बनाए हैं, जो कि इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेट में महज 2 ही बार हुआ है। और इसीलिए हम बता रहे हैं कि बहुत जल्द टीम इंडिया की कॉलअप मिल सकती है सरफराज खान को। सरफराज खान का लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में ढेर सारा रन बनाना, इंडिया टीम के सीनियर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के बहुत दिनों से फॉर्म में ना रहना, और टीम इंडिया और बीसीसीआई के द्वारा टेस्ट क्रिकेट में एग्रेसिवनेस को बढ़ावा देना, ये सारी बातें इस बात की संकेत दे रही है कि बहुत जल्द टीम इंडिया की जर्सी सरफराज खान को भी मिल सकती है। और वैसे भी इतने सारे रन हर साल डोमेस्टिक क्रिकेट में बनाने के बाद भी अगर उन्हें टीम इंडिया की जर्सी ना मिले, अगर उन्हें बीसीसीआई या फिर टीम इंडिया द्वारा इग्नोर किया जाए, तो उन पर ये नाइंसाफ़ी ज़रूर होगी। लेकिन इस बार सरफराज खान को इग्नोर बिल्कुल नहीं किया जाएगा और बहुत जल्द उन्हें टीम इंडिया की जर्सी दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे खबरें भी आने लगे हैं कि टीम इंडिया नवंबर के महीने में जो कि बांग्लादेश दौरा करेगी 2 टेस्ट मैचों के लिए, उसी टेस्ट सीरीज़ में सरफराज खान को टीम इंडिया में शामिल किया जा सकता है।
अगर टीम इंडिया में सरफराज खान शामिल हुए तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और इंडिया के क्रिकेट फैन भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि 2014 में जो प्रॉमिसिंग क्रिकेटर महज 16 साल की उम्र में आईपीएल खेल गया था, उसका टीम इंडिया में कुछ सालों बाद चयन होना हर किसी क्रिकेट प्रेमी को खुश कर जाएगी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द सरफराज खान की एंट्री टीम इंडिया में हो जाए और वो टीम इंडिया की ओर से टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए हमें नज़र आए। अगर आप भी चाहते हैं कि सरफराज खान को टीम इंडिया की जर्सी मिलनी चाहिए तो नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और क्रिकेट से जुड़े ऐसे ही खबरें हर रोज़ पाने के लिए PBC क्रिकेट को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ।